चलिए हम सबसे पहले पी वाली रिएक्शन सॉल्व बैलेंस करते हैं. 16th पी जेड एन प्लस एन ए एन ओ थ्री प्लस एन ए ओ एच गिव्स यू एन ए टू जेड एन ओ टू प्लस अमोनिया प्लस ट्वाइस एस टू. नाउ वी आर आस्क्ड टू बैलेंस दिस रिएक्शन. हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है. अब देखिए जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जीरो से प्लस टू पर जा रहा है और NaNO3 का नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है प्लस फाइव से माइनस थ्री पर जा रहा है. हमने रिडॉक्स चेंज सबसे पहले आइडेंटिफाई करा है. अब इसके बाद अब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. आयन मैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से बैलेंस करता हूं और पहले लिखता हूं जिंक गिविंग यू Na2ZnO2. यह फर्स्ट हाफ रिएक्शन दोनों तरफ एक एक जिंक है. दो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं इधर ऐसे कैसे ही दो सोडियम आयन लिख देता हूं क्योंकि हमारे पास रिएक्शन साइड सोडियम आयन NaOH के फॉर्म में अवेलेबल है. हम चाहे जितने सोडियम आयन इस्तेमाल कर सकते हैं. सोडियम आयन बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दो ऑक्सीजन है और बेसिक मीडियम है. NaOH रिएक्टेंट साइड दे रखा है, इसका मतलब बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में दो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ हम ट्वाइस H2O ऐड करते हैं और इस तरफ हम फोर हाइड्रोक्सिल आयन ऐड कर देते हैं. अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इधर देखें दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो इस तरफ दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाने चाहिए और यह फर्स्ट हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई है. सेकेंड हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम कहेंगे NaNO3 इज गिविंग यू अमोनिया. NaNO3 यह NaNO3 एंड दिस इज गिविंग यू अमोनिया. अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है जिसका रॉक चेंज हो रहा है. सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं इधर एक सोडियम आयन ऐड कर देता हूं और फिर इधर तीन हाइड्रोजन है. तीन हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए इधर तीन हाइड्रोक्सिल आयन जोड़ता हूं. तीन हाइड्रोक्सिल आयन तीन हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स दे देंगे और इसके बाद इधर तीन ऑक्सीजन और मुझको अनबैलेंस दिख रहा है. इन तीन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं और भी तीन वाटर मॉलिक्यूल जोड़ता हूं. तीन वाटर मॉलिक्यूल तीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इधर छह हाइड्रोक्सिल आयन दे देंगे. अब चार्ज बैलेंस करने के लिए उधर नेट चार्ज जीरो है, इधर नेट एट नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे एट इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करना होंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं. एट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए और यह रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. हम कहेंगे फोर जिंक प्लस NaNO3 प्लस सोडियम आयन के लिए मैं कहता हूं फोर सोडियम आयन इधर है और फोर सोडियम आयन वन सोडियम आयन सो थ्री सोडियम आयन और फिर इसके बाद में मैं हाइड्रोक्सिल आयन को बैलेंस करता हूं. हियर वी हैव एट हाइड्रोक्सिल आयन व्हाइल हियर वी हैव नाइन हाइड्रोक्सिल आयन. इनको फोर से मल्टीप्लाई करना है, फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मुझे सोडियम आयन एट माइनस थ्री सेवन सोडियम आयन इधर लिखने पड़ेंगे. सेवन सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज 16 माइनस
9, that is 7 hydroxyl ion. Reaction puri tarah se balance dikh rahi hai mujhko. 4 Na2 ZnO2 plus ammonia plus sodium ion hydroxyl ion cancel ho chuke hain. 8 H2O mein se udhar 6 H2 cancel ho jayega, to twice H2O. In this manner finally I'll write 4 zinc plus NaNO3 plus 7 NaOH giving you 4 Na2ZnO2 plus ammonia plus twice H2. Observe this balance reaction. P reaction ko balance karne ke baad, now I'll balance Q reaction. मैं तेजी से Q वाली रिएक्शन भी बैलेंस कर देता हूं. Q रिएक्शन इज FeCr2O4 प्लस K2CO3 प्लस KClO3 KFCO Fe2O3 प्लस K2 CrO4 plus KCl plus CO2. देखिए, इस जगह पर redox चेंज हो किस किस का रहा है हम पहले यह समझ लें. एक तो Fe plus 2 से plus 3 पर जा रहा है और Cr2O4 में क्रोमियम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है. क्रोमियम कहां से कहां ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस 8 ये प्लस 3 पर है और यह प्लस 6 पर जा रहा है, तो Fe और क्रोमियम दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है प्लस 5 से माइनस 1. K2CO3 के साथ कुछ भी हो नहीं रहा है, तो K2CO3 को आप अभी अकाउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. हम सिर्फ यह लिखेंगे FeCr2O4 giving you Fe2O3 plus K2Cr. हमें इन्हें एक साथ लिखना पड़ेगा, इधर FeCr2O4 है, इधर Fe2O3 भी और K2Cr4. अब मैं स्टार्ट करूंगा Fe से, क्योंकि कम से कम दो Fe हमें चाहिए ही, कम से कम दो Fe हमें चाहिए, इसलिए इधर 2 Fe Cr2O4. अब इधर हो गए 4 क्रोमियम, तो इधर 4 क्रोमियम लगा दिए. Fe और क्रोमियम बैलेंस हो गया. अब Fe और क्रोमियम को बैलेंस करने के बाद पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 8K पॉजिटिव इधर लगा देता हूं, क्योंकि इधर 8 पोटेशियम आयन दिख रहा है और वहां 8K पॉजिटिव के फॉर्म में इधर लिख दिया जाए. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की बारी है, 8 ऑक्सीजन इधर है, जबकि इधर 16 प्लस 3 19 19 माइनस 8 11 ऑक्सीजन ज्यादा है. 11 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 22H पॉजिटिव डाले, 22H पॉजिटिव 11 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 11 H2O और साथ में 22 इलेक्ट्रॉन्स. एंड देन KClO3 गिव्स यू KCl. KCl बैलेंस है 3 ऑक्सीजन के लिए, इधर 6H पॉजिटिव आयन, 6H पॉजिटिव आयन 3 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके 3 वाटर मॉलिक्यूल. अब इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए इधर मैं 6 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं और फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 11 से और इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और इस तरह से 22 इलेक्ट्रॉन्स 66 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर देते हैं. अब ऐड कर देते हैं, ऐड करते समय अब 33 और इधर भी 33, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी पूरी तरह से कैंसिल होते हुए मुझे दिख रहा है. अब इसके बाद 8K पॉजिटिव प्लस
positive, if here 66, here also 66. So H positive, we cancel out the times. It gives you thrice Fe2O3 plus 12 K2CrO4 plus 11 KCl. Up. हम कहते हैं K पॉजिटिव मुझे K2CO3 के फॉर्म में लिखने हैं तो मैं दोनों तरफ H पॉजिटिव कुछ ना कुछ बचेंगे H पॉजिटिव कुछ ना कुछ बचेंगे यह 66 यह आल्सो 66 मैं मुझे दोनों तरफ 12 कार्बोनेट आयन ऐड करने चाहिए दोनों तरफ 12 कार्बोनेट आयन ऐड करने चाहिए और H पॉजिटिव कहीं बचते हुए नहीं दिख रहे क्या देखो एक बार ध्यान से 24 K पॉजिटिव तो ऐसे कैसे हमने लिख दिए 66 H पॉजिटिव इधर भी है एंड हियर आल्सो 66 H पॉजिटिव इस बॉडी भी कैंसिल हो गए अब अरे कुछ गलती रह गई है KCLO3 6 इलेक्ट्रॉन वो भी ठीक है 22 22 इलेक्ट्रॉन इधर कैसे बन गए अरे यार इस जगह पर मैंने गलती कर दी आई एम सॉरी इधर 8k पॉजिटिव थे इधर 22 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते 22 h पॉजिटिव इधर ऑलरेडी है और इधर 8k पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज जब इस तरह की गलती होती तो अपने आप फाइनली बैलेंस रिएक्शन कुछ गड़बड़ दिखने लगती है और फिर आपको गलती भी ढूंढना चाहिए 22 पॉजिटिव इधर है 8 पॉजिटिव इधर है इसका मतलब है कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल हो जाएंगे 14 पॉजिटिव तो मुझे 14 इलेक्ट्रॉन लिखने थे इस जगह पर 14 इलेक्ट्रॉन लिखने थे और इसे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 7 से 7 से अब वह गलती सुधर जाएगी गलती नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि 42 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे 3 24 के पॉजिटिव अभी भी रहेगा 6 Fe Cr2O4 अभी भी रहेगा अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूं Cr2 3 6 7 ठीक है अभी ठीक और प्लस 7 KCLO3 गिविंग यू थ्राइस Fe2O3 प्लस 12 K2CrO4 प्लस 7 KCl अब मैं यह मैंने अकाउंट कर लिया वाटर मॉलिक्यूल सब देख लिए जाए पहले वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन दिस साइड इज 33 एंड ऑन दिस साइड वी हैव गॉट 21 33 ऑन दैट साइड 21 ऑन दिस साइड सो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स मुझको इधर ऐड करने होंगे ना और पॉजिटिव ये सब लिख दिया अब एच पॉजिटिव देख लो Here we have got 42 H positive, while here we have got 66 H positive. So here we have got an addition of 24 H positive. Now, 24 K positive ke liye what I should do is, kyunki for
पोटेशियम इधर कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, तो इधर मैं 12 कार्बोनेट आयन और जोड़ता हूं और इधर भी 12 कार्बोनेट आयन जोड़ देता हूं, दोनों तरफ 12 कार्बोनेट आयन, और अब यह रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। K4 के पॉजिटिव प्लस 12 कार्बोनेट आयन, दिस गिव 12 K2CO3 प्लस 6 FeCr2O4 प्लस 7 KClO3 गिविंग यू थाइस Fe2O3 प्लस 12 K2CrO4 प्लस 7 KCl। अब एक बात देखिए, 24H पॉजिटिव एंड 12 कार्बोनेट आयन, दिस गिव्स यू 12H2CO3, दिस गिव्स यू 12H2CO3 मीन्स 12 कार्बोनिक एसिड, और 12 कार्बोनिक एसिड जो है वह कहीं पर भी 12 वाटर मॉलिक्यूल्स और 12 कार्बन डाइऑक्साइड देती है। इधर ऑलरेडी 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है और यह 12 वाटर मॉलिक्यूल्स कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे। इसके बाद आर वाली रिएक्शन, पहले इसको ध्यान से देख लो। नाउ द आर रिएक्शन, एल्यूमिनियम प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 gives you Al2SO4 whole thrice plus K2SO4 plus MnSO4 plus H2O. Aluminium gives you Al2SO4 whole thrice, एक तो हाफ रिएक्शन हम यह बनाएंगे और दूसरी हाफ रिएक्शन KMnO4 gives you MnSO4। एल्यूमिनियम सबसे पहले बैलेंस करेंगे ट्वाइस ईयर। अब इधर तीन सल्फेट हैं, इन तीन सल्फेट को ऐसा का ऐसा ही इधर हम ऐड कर देंगे, थ्री सल्फेट आए, और अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इधर 6 नेगेटिव चार्ज है, और यहां हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। KMnO4 के लिए इधर ऐसा कैसे एक Mn बैलेंस है, एक K पॉजिटिव, इस जगह पर एक सल्फेट आयन, चार ऑक्सीजन बचे, चार ऑक्सीजन के लिए इधर 8H पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव चार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 4H2O। चार्ज बैलेंस करने के लिए टोटल चार्ज देख लीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इधर ऐड करेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए पहली रिएक्शन को 5 से और दूसरी रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करें, 30 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। नाउ ऐड द ऐड करने पर 10 एल्यूमिनियम प्लस 6 KMnO4 प्लस सल्फेट आयन 15 प्लस 6 21 सल्फेट आयन। H पॉजिटिव आयन के लिए मैं इधर कहूंगा 6 × 8 48 H पॉजिटिव आयन गिविंग यू 5 Al2SO4 whole thrice plus 6 MnSO4 plus 24 H2O plus 6 K positive। अब K positive यहां K2SO4 के फॉर्म में, 6 K positive, तो इधर भी मैं 3 सल्फेट ऐड कर देता हूं और इधर भी मैं 3 सल्फेट ऐड कर देता हूं, दोनों तरफ 3 सल्फेट ऐड कर देने से फाइनली यह बैलेंस लगी है 10 एल्यूमिनियम प्लस 6 KMnO4 प्लस
plus here 24 sulfate ion is a 48 H positive ion, means 24 H2SO4 giving you 5 Al2SO4 whole thrice plus 6 MnSO4 plus thrice K2SO4 plus 24 S2. I वाली रिएक्शन को पूछिए और I वाली रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल, S वाली रिएक्शन तो बिल्कुल सिंपल है. I से बैलेंस इट ऑन योर P रिएक्शन को बैलेंस करूंगा. नाउ P रिएक्शन में यदि आपके पैकेज में मिसप्रिंट है तो उसको सुधार लीजिए. वहां पर PB N3 होल ट्वाइस है प्लस CO MnO4 होल ट्वाइस गिविंग यू COO प्लस MnO2 प्लस PB3O4 प्लस NO. यह करेक्शन यदि गड़बड़ी हो पैकेज में तो जरूर कर लेना. हम इसे तेजी से बैलेंस कर देते हैं. PBN3 होल ट्वाइस लिखते हैं और इधर PB3O4 प्लस NO. यह PB3 है तो इधर ट्वाइस PB. अब इधर 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, तो इधर 18 NO. अब 18 प्लस 4 22, 22 ऑक्सीजन के साथ में 44 H प्लस और इधर 22 H2O चार्ज बैलेंस करने के लिए 44 इलेक्ट्रॉन्स. यह पहली हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई. सेकेंड हाफ रिएक्शन के लिए COMnO4 होल ट्वाइस giving you COO plus MnO2. अब कार्बाइड बैलेंस है 2 Mn है. 2 Mn के लिए इधर 2 MnO2 डाल दो. 8 and here 4, 5. यह 3 ऑक्सीजन्स आर एडिशनल. 3 ऑक्सीजन्स के लिए 6 H पॉजिटिव कंबाइन ऑक्सीजन टू गिव यू 3 H2O. और इधर फिर हम डाल दें 6 इलेक्ट्रॉन्स. कैंसिल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें 3 से और इसको मल्टीप्लाई करें 3 से. मल्टीप्लाई करा तो और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 22 से. और इस जगह पर 44 × 3 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड हो जाएंगे और अब इसे ऐड कर दीजिए. H4 × 3 H4 भी कैंसिल हो जाएंगे और यह रिएक्शन आपको बैलेंस्ड दिखने लगेगी. विश कि M और N रिएक्शन इसी समय यह बैलेंस करके दिखा दे. यदि यह दोनों रिएक्शन आपने बैलेंस कर दी तो आपको बैलेंसिंग ऑफ रॉक रिएक्शन आ गया है. इवैल्यूएशन के लिए यह दोनों रिएक्शन आपको स्वयं को ही बैलेंस करके देखना होगी. यह सिंपल रिएक्शन, नॉट दैट डिफिकल्ट रिएक्शन. इसके अलावा इस पैकेज में और कोई डाउट हो तो वह पूछ दो. वैसे तो पैकेज काफी लंबा है. और इस पैकेज में जो रियल चैलेंजिंग रिएक्शंस हैं बैलेंस करने के लिए, लेट मी टेल यू, दोस रिएक्शंस आर
in the advanced level section. Advanced level section mein, fifth problem mein, first, second, third, fourth, all those reactions are real challenging reaction to balance. Yadi waha advanced level problem mein, fifth advanced level problems jo section hai, us section mein fifth problem mein, first, second, third, fourth reaction yadi waha sab aap kar lete ho, to aapko kisi bhi tarah ki redox section balance karna aata hai. Anyway, आप एक और बार कोशिश कर लेना. रिडॉक्स रिएक्शन का अगला राउंड ऑफ डिस्कशन जब भी मैं चलाऊंगा तब मैं आपकी और भी डाउट्स सॉल्व कर दूंगा. आज रिडॉक्स रिएक्शन के डाउट डिस्कशन